नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और मेरे YouTube चैनल यूपी इंग्लिश टीचटी पिचटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि EW सर्टिफिकेट क्या होता है, किन लोगों को ये मिलेगा, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और कैसे आप इसको बनवा सकते हो। ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा, पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना, जिससे आपको सभी वीडियो मिले सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं EWS सर्टिफिकेट। तो EWS सर्टिफिकेट जो पहला सवाल हमारे सामने उत्पन्न होता है वो ये है कि EWS सर्टिफिकेट क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, EWS सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट। सामान्य वर्ग के उन कैंडिडेट्स को, उन अभ्यर्थियों को या दिया जाएगा जो कि कम आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं या गरीबी रेखा में आते हैं या कि या जो लोग गरीब हैं उन लोगों को यह दिया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले तक आरक्षण का लाभ OBC कैंडिडेट्स को, SC ST कैंडिडेट्स को दिया जाता था, इन तीन वर्ग को दिया जाता था। इसके अलावा सामान्य वर्ग के लोग बहुत दिन से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे कि उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो कुछ महीने पहले केंद्र की मोदी सरकार ने EWS स्कीम को शुरू किया है और इसके अंतर्गत 10% यानी कि 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा और शिक्षा में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि EWS सर्टिफिकेट किसको मिलेगा और क्या क्या इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और आपका सामान्य वर्ग में होना चाहिए, यानी कि उच्च वर्ग में आप होने चाहिए, उस जाति में आपका होना ज़रूरी है। सामान्य वर्ग का जो अभ्यर्थी होगा उसको ये दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परिवार की आय कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जिसके परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम होगी उसको EWS सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पर 8 लाख रुपये आपको पूरी बात बताएंगे कि इसको किस तरह काउंट किया जाएगा। तो आपके पूरे फैमिली मेंबर्स, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सबकी इनकम जोड़ी जाएगी सभी स्रोतों से, जैसे खेती, व्यापार, नौकरी, मकान का किराया और दूसरा कोई स्रोत है तो वहाँ से जोड़ी जाएगी। यदि परिवार के सभी सदस्यों की इनकम 8 लाख रुपये से कम होती है तो आप इस कैटेगरी में आते हैं और EWS सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि परिवार के किन किन फैमिली मेंबर्स की इनकम को जोड़ा जाएगा इसका ध्यान जब ये बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी खुद की आय, आप कितना कमा रहे हैं, इसके अलावा माता पिता आपकी जॉब कर रहे हैं तो उनकी इनकम भी जोड़ी जाएगी। आपके भाई बहन यदि सिंगल हैं और उनकी शादी नहीं हुई है और वो किसी प्रकार की इनकम कर रहे हैं तो उसको भी जोड़ा जाएगा। पति पत्नी की इनकम जोड़ी जाएगी। इसके अलावा आपके बच्चे यदि उनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी इनकम भी जोड़ी जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों की इनकम सभी स्रोतों से यदि जोड़ने पर यदि 8 लाख रुपए से कम होती है तो आपको EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप इसका लाभ भी उठा सकते हो। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह उठता है कि EWS सर्टिफिकेट किसको नहीं मिलेगा। तो इसमें यह नियम है कि भारत के ऐसे नागरिक जिनके पास 5 एकड़ से अधिक ज़मीन है उनको यह सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ऐसे नागरिक जिनका मकान 1000 स्क्वायर फीट से अधिक में बना हुआ है उनको भी गरीबी वर्ग में सरकार नहीं मानेगी और आपको संपन्न समझेगी और आपको EWS सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली यह गरीब लोगों के लिए बनाया गया है जिससे इस योजना का लाभ गरीब लोगों को मिले जो कि सामान्य वर्ग से आते हैं। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जिसको हम इनकम सर्टिफिकेट भी कहते हैं, पैन कार्ड, BPL कार्ड, राशन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और स्वघोषणा पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। अब फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यह है कि EWS सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगा। तो जो आपकी तहसील है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, जो बाहर दुकानदार होते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप घर बैठे ही इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फ्रेंड्स, अब सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि EWS सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएंगे। तो वर्तमान में इसे ऑफलाइन बनाया जा रहा है। इसको बनवाने के लिए आपको
जिला मजिस्ट्रेट जाना पड़ेगा, आपकी जो तहसील है वहाँ आपको जानी पड़ेगी जाना पड़ेगा और वहाँ आपको पूछना पड़ेगा कि EWS सर्टिफिकेट मुझे बनवाना है तो मुझे किससे मिलना है। तो बेसिकली जो तहसीलदार हैं उनको इस काम के लिए लगाया गया है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे अधिकारी भी EWS सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो तहसीलदार है वही इसको बनाने का काम करता है। तो आपको तहसील जाना पड़ेगा, वैसे ही आपका बनेगा। और अभी ये ऑफलाइन बन रहा है, अभी ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, अभी यह ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब फ्रेंड्स, अगला सवाल यह है कि EWS सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड करोगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक PDF मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो और घर बैठे ही आप इसको भर सकते हो। तो इस तरह का ये फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, एप्लीकेंट आपको यहाँ पे नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आधार, कास्ट, सब कास्ट, इसके अलावा आपका जो वर्तमान पता है वो आपको लिखना है, परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, स्थायी रूप से कहाँ निवास करते हैं, आपकी इनकम कितनी है वो आपको लिखनी है, आपके पास कितनी ज़मीन है, 5 एकड़ से अधिक है तो यस और नो में आपको टिक करना है किसी एक में, इसके अलावा आपका मकान 1000 स्क्वायर फीट से बना है या नहीं। और फ्रेंड्स, इस तरह और भी कुछ में कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 3, 4, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और यस और नो में से किसी एक पर आपको टिक करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब जब पूरा आप काम कर लेंगे तो सबसे नीचे आपको साइन करना है और यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। इसका आप प्रिंट आउट निकाल लोगे पूरा भरने के बाद, और जो आपके तहसीलदार हैं तहसील में आप जाओगे और तहसीलदार से मिलोगे और उनको बताओगे कि मेरे पूरे परिवार के सदस्यों की जो इनकम है सभी स्रोतों से 8 लाख रुपए से कम है और मुझको आप ये बना के दीजिए, तो आपका वो बना देंगे। और जब भी सरकारी नौकरी निकलती है या शिक्षा के क्षेत्र में कहीं पे आपका एडमिशन होना है तो वहाँ पर भी आपको EWS सर्टिफिकेट जब आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि भविष्य में कुछ महीने बाद यह सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यह वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, serviceonline.government.in, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इसको निकाल लेना। तो इस तरह की यह वेबसाइट है और कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में ये ऑनलाइन ही बनना शुरू हो जाएगा और आप इसको घर बैठे ही आप इसको बना सकते हो। तो ये वेबसाइट है, अभी ये इसमें काम शुरू नहीं हुआ है, तो रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आपको अपना देखिए ये हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जब पहली बार आप इसमें करोगे तो आपको यहाँ पे नाम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपको भरना पड़ेगा, पासवर्ड भरना पड़ेगा, स्टेट का नाम भरना पड़ेगा और कैप्चा भरना पड़ेगा। वैलिडेट करोगे तो आपका OTP आएगा, OTP भरोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन करके रखा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है और इसके नीचे व्यू ऑल सर्विस पर आपको क्लिक करना है। जब आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। इसको मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आपके सामने पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपको EWS लिखना है। तो अभी यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिख क्या रहा है कि नो सर्विस अवेलेबल, पर भविष्य में कुछ दिनों में या बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और आसानी से आप इसको घर बैठे ही आप भर सकते हो। तो जब भी ये शुरू होता है तो नया वीडियो आपको जो देखने को ज़रूर मिलेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और इसके जो सारे लिंक हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप उसको देख लेना। वीडियो अगर ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा देना, जिससे सभी सूचनाएँ आपको मिलें सबसे पहले, सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।